नमस्कार साथियों आपका हमारे यूट्यूब चैनल जुगल टेक्निकल में हार्दिक स्वागत है मैं जुगल राठौर दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे आओ घर में सीके 2.0 कार्यक्रम के तहत कार्य पुस्तकों का वितरण और उपयोग के निर्देश सत्र 2021-22 जारी हो चुके हैं इसमें ब्रिज कोर्स और उपचारात्मक शिक्षण के लिए आपको क्या क्या करना है कक्षा एक से आठ के लिए यहाँ पर पहल प्रयास प्रवाह और प्रकरण नाम की कार्य पुस्तकएँ का आपको मिलेगी तो क्या है संपूर्ण जानकारी तो दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन प्रेस करें तो शुरू करते हैं तो देखिए ये है आदेश इसमें देखिए आप कार्य पुस्तकों का वितरण एवं उपयोग निर्देश सत्र दो हजार इक्कीस बाईस कोविड नाइन्टीन की कठिन परिस्थितियों के कारण राज्य में लंबे समय से कक्षा कक्षीय गतिविधियां संचालित नहीं हो पा रही हैं जिससे विद्यार्थियों का सीखना प्रभावित हुआ है तथा अधिकम स्तर में क्षति परिलक्षित हो रही है अधिगम स्तर में हुई क्षति को पूर्ण करने के लिए इक्कीस बाईस में बैक टू स्कूल कार्यक्रम संचालित किया जाना है बैक टू स्कूल कार्यक्रम अंतर्गत विद्यार्थियों के अधिगम अंतराल को कम करने के लिए आर एस सी आई टी उदयपुर एवं राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के संयुक्त प्रयासों द्वारा विभिन्न ऑनलाइन माध्यमों से विद्यार्थियों तक पहुँचने का सतत प्रयास किया जा रहा है इसी प्रयास अंतर्गत आओ घर में सी के टू कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है इसके अंतर्गत विद्यार्थियों में सीखने की निरंतरता बनाए रखने के उद्देश्य से कक्षा एक से आठ तक के विद्यार्थियों हेतु अंग्रेजी हिंदी गणित विषय की कार्यपुस्तिकाएँ तैयार करवाई गई है कार्य पुस्तिकाएँ बुनियादी दक्षताओं को ध्यान में रखकर तैयार की गई है जिससे विद्यार्थियों को कक्षा स्तर तक लाया जा सके तथा अधिगम अंतराल को कम किया जा सके कार्य पुस्तिकाओं में सम्मिलित कार्य पत्रकों को में गतिविधि आधारित शिक्षण सामग्री का समावेश किया गया है जिस पर शिक्षकों के मार्गदर्शन में विद्यार्थी द्वारा अभ्यास कार्य किया जाना है अब देखिए यहाँ पर कार्य पुस्तकों का विवरण अब यहाँ पर कार्य पुस्तकों का विवरण है यहाँ पर देखिए विषय हिंदी गणित और अंग्रेजी यहाँ पर तीन विषय है कार्य पुस्तकों में यहाँ पर अलग अलग कक्षाएं दे रखी है कार्य पुस्तकों के यहाँ पर नाम है अब यहाँ पर देख सकते हैं इनका विवरण है यहाँ पर देखिए क्लास वन और क्लास टू के लिए कक्षा स्तर के अनुरूप जो कार्य पुस्तकायें होगी वो कक्षा स्तर के अनुरूप होगी और क्लास थ्री में यहाँ पर पहल नामक कार्य पुस्तक चलाई जाएगी जो कक्षा एक और दो के सीखने के प्रतिफल अनुरूप यहाँ पर होगी यहाँ पर देख सकते हैं क्लास फोर और क्लास फाइव के लिए प्रयास नामक कार्य पुस्तिका होगी जिसमें कक्षा दो तीन चार के सीखने के प्रतिफल अनुरूप ये कार्य पुस्तिका प्रयास होगी इसके बाद यहाँ पर देखिए क्लास सिक्स और सेवन के लिए प्रवाह जो कार्य पुस्तिका है यहाँ पर इसमें क्लास फोर क्लास फाइव क्लास सिक्स के सीखने के प्रतिफल तो यहाँ पर जो क्लास सिक्स और सेवन के लिए जो कार्य पुस्तक है उसमें क्लास फोर फाइव और सिक्स की ये जो अनुरूप होगी और यहाँ पर देखिए क्लास एट के लिए प्रकर प्रकर कार्य पुस्तिका होगी जो कक्षा पाँच छः और सात के सीखने के प्रतिफल अनुरूप होगी तो ये अलग अलग कार्य पुस्तिकाएँ आपको मिलेगी पहल प्रयास और प्रवाह और प्रकर। ये इसमें हिंदी और गणित अंग्रेजी का समावेश होगा और इनके अलग अलग स्तर यहाँ पर होंगे इसके बाद आप देख सकते हैं नीचे कक्षा एक एवं दो की कार्यपुस्तिकाएँ कक्षा स्तर के सीखने के प्रतिफल अनुरूप गतिविधियों को सम्मिलित करते हुए तैयार की गई हैं कक्षा तीन से आठ की कार्यपुस्तिकाएँ दो भागों में निम्नानुसार बांटी गई हैं ब्रिज कोर्स के लिए अलग है यहाँ पर और शत्य पर्यंत उपचारात्मक शिक्षण के लिए अलग तो यहाँ पर आपको दो प्रकार की कार्य पुस्तिकाएँ मिलेगी ब्रिज कोर्स और सत्य उपचारात्मक शिक्षण के लिए अब देखिए ब्रिज कोर्स में क्या है यहाँ पर तो देखिए यहाँ पर कक्षा तीन से आठ के विद्यार्थियों को को कार्य पुस्तिका के प्रथम भाग ब्रिज कोष के कार्य पत्रकों पर कार्य अभ्यास कार्य करवाया जाना है जो दो माह तक संचालित होगा कार्य पत्रकों के माध्यम में आकलन पत्र भी सम्मिलित किए गए हैं आकलन पत्र के माध्यम से विद्यार्थियों के सीखने का आकलन किया जाना है ब्रिज कोष के प्रारंभ में प्रत्येक विद्यार्थी का प्रारंभिक मूल्यांकन यानी कि बेस्ट लाइन किया जाना है बेस्ट लाइन हेतु प्रारूप आकलन पत्रक कार्य पुस्तिका के प्रारंभ में दिया गया है तो आपको यहाँ पर जो कार्य पुस्तिका मिलेगी उसमें आकलन पत्र जो है वो भी मिलेगा बेसलाइन लाइन के माध्यम से विद्यार्थियों के अधिगम के प्रारंभ स्तर का पता लगाया जा सकेगा ब्रिज कोर्स के, के अंत में समग्र आकलन पत्र दिया गया है इस ब्रिज कोर्स के अंत में यहाँ पर आपको एक समग्र आकलन पत्र मिलेगा समग्र आकलन के परिणाम के आधार पर विद्यार्थियों के सीखने के स्तर की जानकारी हो सकेगी जिसके आधार पर सत्र पर्यंत उपचारात्मक शिक्षण संचालित किया जाना है यहाँ पर नोट दे रखा है विद्यार्थियों के लिए विद्यालय नहीं खुलने की स्थिति में कार्य पुस्तकाओं पर संबंधित विषयाध्यापकों द्वारा आओ घर में सीके 2.0 पॉइंट जीरो अंतर्गत घर से ही कार्य करवाया जाना है कार्य पत्रकों पर कार्य के साथ साथ आकलन पर कार्य कराते हुए नियमित समीक्षा की जानी अपेक्षित है अब इसके बाद यहाँ पर देखें सत्र पर्यंत उपचारात्मक शिक्षण के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं समग्र आकलन की उपलब्धि के आधार पर विद्यार्थियों के सीखने के स्तर अनुकूल समूह बनाकर वर्ष पर्यंत उपचारात्मक शिक्षण संचालित किया जाना है सत्र पर्यंत उपचारात्मक शिक्षण के दौरान कार्य पुस्तिका में अनुसार कार्यपत्रक दिए गए हैं है। जिन पर सतत रूप से विद्यार्थियों से कार्य करवाया जाना अपेक्षित है कार्यपत्रकों के मध्य में आकलन पत्रक भी नियत अंतराल पर सम्मिलित किए गए हैं जो विद्यार्थी के सीखने के आकलन में सहायक होंगे अब यहाँ पर देख सकते हैं आप क्लास थ्री फाइव और एट की कार्य पुस्तकाओं में एन एस ए दो हज़ार इक्कीस की तैयारियों हेतु अभ्यास सामग्री सम्मिलित की गई है कार्य के अंत में एन ए एस दो हज़ार सत्रह का प्रश्न पत्र भी दिया गया है जिससे विद्यार्थियों को एन ए दो हज़ार इक्कीस के लिए पूर्व अभ्यास कराया जा सके तो यहाँ पर एन एस दो हज़ार इक्कीस परीक्षा में जो है उसके लिए भी यहाँ पर कार्य प्रश्न पत्र दिए हुए हैं इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं उक्त कार्य पुस्तकों का उद्देश्य विद्यार्थियों के अधिगम अधिग स्तर में होने वाली क्षति को कम करना है राज्य स्तर से लेकर विद्यालय ले स्तर तक कार्य पुस्तकों के वितरण की चरणबद्ध योजना तैयार की गई है इस योजना को क्रियान्वित करने के लिए विभिन्न स्तरों पर किए जाने वाले कार्यों को सूचीबद्ध किया गया है कार्य पुस्तकों का वितरण ब्लॉक स्तर तक चरणबद्ध रूप से किया जाना है ब्लॉक स्तर से पीओ और शहरी सीआरसी माध्यम से विद्यालय स्तर तक किया जाना है विद्यालय स्तर से कक्षा एक साठ में नामांकित प्रत्येक विद्यार्थियों को कार्यपुस्तकएँ उपलब्ध कराई जानी है संस्कृत शिक्षा के विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों को भी कार्य पुस्तकाएँ वितरित की जानी हैं अब यहाँ पर अलग अलग जो है लेवल बने हुए हैं तो यहाँ पर देख लेंगे हम बात करते हैं संस्था प्रधान द्वारा किए जाने वाले कार्य तो यहाँ पर आप देख सकते हैं विद्यालय के संस्था प्रधान पी ओ सी सी आर सी नामांकन के अनुसार कार्य पुस्तिकायें प्राप्त करेंगे प्राप्त कार्य पुस्तकों की संख्या एक से पाँच प्रतिशत तक का अंतर हो सकता है ऐसी स्थिति में परिक्षेत्र के विद्यालयों से समन्वय कर कार्यपुस्तिकाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए विद्यार्थियों तक कार्य पुस्तिकाओं के वितरण की नियमित रूप से मॉनिटरिंग करना विद्यार्थियों को शिक्षकों के माध्यम से कार्य पुस्तकों के उपयोग हेतु प्रेरित करना फोन कॉल के माध्यम से अभिभावकों से फीडबैक प्राप्त करना शिक्षकों के साथ कार्यपुस्तिकाओं पर विद्यार्थियों द्वारा किए जा रहे कार्य की नियमित समीक्षा करना इसके बाद यहाँ पर देखिए शिक्षक स्तर से किए जाने वाले कार्य तो यहाँ पर देख सकते हैं विद्यालय स्तर पर कार्य पुस्तिका प्राप्ति के साथ दिवस में विद्यार्थी तक पहुँच सुनिश्चित की जाए तो यहाँ पर सात दिन में आपको पहुँचानी है कक्षा एक से दो के विद्यार्थी तो हेतु तो कक्षा स्तर के अनुरूप तैयार कार्य पुस्तिकाएँ उपलब्ध करवाई जानी है विद्यार्थियों तो को उनके अधिगम स्तर के आधार पर हिंदी अंग्रेजी गणित की कक्षा तीन के लिए पहल कक्षा चार पाँच के लिए प्रयास और कक्षा छः सात के लिए यहाँ प्रवाह और कक्षा के लिए प्रखर कार्यपुस्तिकाएं वितरित तो की जानी है विद्यार्थियों से कार्य पुस्तकों के प्रारंभ में दिए गए प्रारंभिक मूल्यांकन वेस्ट लाइन पूर्ण कराना तथा समीक्षा की जाए विद्यार्थियों को कार्य पुस्तिकाओं में निरंतर अभ्यास कार्य हेतु प्रेरित करना विद्यार्थियों द्वारा महसूस की जाने वाली कठिनाइयों का निराकरण करना विद्यार्थियों द्वारा किए जा रहे अभ्यास कार्य के आकलन पत्र पत्रों के माध्यम से समीक्षा करना अब यहाँ पर देख सकते हैं आपको कार्य पुस्तिकाई वितरण का, का रिकॉर्ड संधारण कैसे करना है तो यहाँ पर देखिए कार्य पुस्तकों के वितरण की प्रविष्टि शाला दर्पण पर की जानी है शाला दर्पण में आपको शाला दर्पण इसकी मेन्यू मिलेगा वहाँ पर आपको फ्री टेस्ट बुक का एक ऑप्शन मिलेगा उसमें आपको वर्क बुक का ऑप्शन मिलेगा तो वहाँ से आपको इसकी एंट्री कर दी है इसका मैंने पहले भी एक वीडियो बना रखा है कि वर्कबुक आपको किस प्रकार जो है इसकी एंट्री साला दर्पण पर करनी है उसका मैंने यहाँ पर लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा तो आप वहाँ जाकर इसे भी देख सकते हैं इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट प्रक्रिया में जैसे ही साला दर्पण पर जो कार्य पुस्तिकाएँ आपको अलॉट हो जाएगी तो उसका मैं एक ऑनलाइन वीडियो बना दूंगा तो आप उसको भी वहाँ पर देख सकते हैं कार्य पुस्तकाओं में विद्यार्थी द्वारा कार्य पूरे किए जाने के उपरांत कक्षा अध्यापक विषय अध्यापक द्वारा कार्यपुस्तिकाओं को विद्यालय स्तर पर संचारित किया जाना है तो ये यहाँ पर कार्य पुस्तकाएँ हैं जो कक्षा एक से लेकर आठ तक आपको मिलेगी इसका ऑनलाइन रिकॉर्ड आपको करना है तो दोस्तों ये थी समस्त जानकारी कार्य पुस्तकों के वितरण और उपयोग की तो आपको हमारी जानकारी कैसी लगी जानकारी अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें वेलाइकन प्रेस करें धन्यवाद दोस्तों फिर मिलते हैं ऐसी जानकारी के लिए तब तक के लिए जय हिंद